बेटा असि पहला पेपर डिस्कस करेंगे, उस तो बाद कहानी दे क्वेश्चंस वन मार्क्स दे कार्य से करेंगे। यस पहला बेटा टेस्ट डिस्कस कर ले रहे हैं। फर्स्ट बेटा सी अनडिठा वार्तक पैरा, ठीक है। एग्जाम दे भी तानू दो अनडिठे पैरे आने हैं, ठीक है। 5-5 मार्क्स दे ते एक आएगा अनडिठी कार टुकड़ी, यानी कि तीन पैरे टोटल हो गए, एक कार टुकड़ी वाला, एक अनडिठा वार्तक पैरा, ठीक है। वार्तक पैरा यानी कि सिंपल आवे तानू कल रिसर्च ना उहदा मीनिंग भी कोई पूछ सकदे है, कोई ग्रामर का क्वेश्चन भी हो सकता है, चाहे उहदा सिमिलर वर्ड यानी कि वही शब्द पैरे च होएगा, ठीक है। जरूरी नहीं सेम शब्द क्वेश्चन विच भी दिता जाए, ठीक है। यस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सी दक्षिणी भारत के लोग पशुओं के बीच किस नु देखते सन। यस रेज योर हैंड। गुरु पशुओं नु, पशुओं बीच आत्मा के पशुओं बीच परमेश्वर, पशुओं बीच परमेश्वर, इतों पता चलना है तुमने टेस्ट किया है। पशुओं बीच परमेश्वर, काफी बच्चों ने बेटा टेस्ट दिया, प्लीज टेस्ट यू दिया करो क्योंकि टेस्ट दे मार्क्स ऐड होंगे है। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत के लोगों की पशुओं के प्रति केहो जी भावना सी जायती। मैम श्रद्धा दी। यस केड़ी भावना सी, श्रद्धा दी। थर्ड लोग किस देवी दे क्रोध नूं शान करन लई पूजा करते सन। यस थर्ड है महाकाली। नेक्स्ट है आजकल किस दे अधिकार दी चर्चा। पशुआं दे अधिकार दी चर्चा, किस दे अधिकार दी चर्चा आम है पशुआं दे। नेक्स्ट है भारत के किस इलाके के लोग पशुओं की पूजा करते सन। यस मंशिका ऑप्शन, हाँ जसलीन, हाँ उत्तर दक्षिण पूर्व के फोकस सारे ऑनलाइन स्टूडेंट। यस प्रणय, प्रणय। यस बेटा प्रणय। मैम दक्षिण। यस दक्षिण, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सी दक्षिण। पहले नु ध्यान ना दो तीन बारी पढ़ के फिर दिया करो। अच्छा नेक्स्ट है भाई वीर सिंह दे पिता दा की नाम सी। हाँ चरण सिंह। नेक्स्ट है त्रिखे शब्द दा अर्थ। तेज। समा कविता विच कवि ने अपने आप नू किस रूप में स्त्री रूप। फिर प्रॉपर कर डैश, वेट कर डैश उड़ंदा जावे, कर डैश उड़ंदा जावे। सफल, सफल, हाँ कर सफल उड़ंदा जावे, ठीक है। ऐसा ब्लैंक्स भी आ रही हैं, क्या सब ब्लैंक्स आ रही हैं। नेक्स्ट है भाई वीर सिंह दी केड़ी पुस्तक नू साहित्य अकादमी वाला पुरस्कार मिलिया। हाँ मेरे साईयों जियो। ठीक है क्लियर बेटा सब 10 क्वेश्चन। ठीक है हूँ बेटा असी सांझी कांदे वन मार्क्स क्वेश्चन कर रहे सी, ठीक है। 10 को क्वेश्चन रह गए और तुसी अपनी फियर नोटबुक दे नाल नाल नोट करते जाओ। यस सांझी कांदे बेटा वन मार्क्स क्वेश्चन कर रहे सी, 20 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन लिख लो। दरबारा, दरबारे दा बीमार होने तो बाद उसका रंग किहो जिहा हो गया सी, हो गया। नेक्स्ट है देखो कंध बनाउन दा पूरा खर्चा 400 रुपए। अच्छा ठीक है पूरा खर्चा 400 रुपए हो चुका सी। ओके
मजदूरी कंध बनाने लई मजदूरी या कंध बनाने लई कुल कितना खर्चा होया सी 400 रुपए कुल खर्चा 400 रुपए कुल खर्चा 400 रुपए। नेक्स्ट है कपूर सिंह ने दरबारे नू कपूर सिंह ने दरबारे नू सांझी कंध बनाने लई केड़ा खर्चा देना मना किया सी मजदूरी का केड़ा खर्चा देना मना किया सी भी मजदूरी का खर्चा तू ना दे। नेक्स्ट है हार की है हार की है हार की है देसी महीना कुल खर्चा कितना होया सी कंध बनाने का मजदूरी बेटा सी कुल खर्चा कितना होया 400 रुपए। सेकंड है कपूर सिंह ने दरबारे नू किस चीज के पैसे छड़े सन कपूर सिंह ने दरबारे नू किस चीज के पैसे छड़ दिते सन मजदूरी दे। हार की है देसी महीना कपूर सिंह दरबारे दे घर आके किथे बैठा सी मंजे दी बाही ते कपूर सिंह दरबारे दे घर आके किथे बैठा सी मंजी दी बाही ते मंजी दी बाही ते मंजी मंजे मंजी कोई गल मंजी दी बाही ते। नेक्स्ट लिखो दरबारे दी धी उसका इलाज करन दे लई की लेके आई सी दरबारे दी धी इलाज करन दे लई या घरेलू इलाज करन दे लई की लेके आई सी लोकड़ गर्म करके पता होना चाहिए केड़ा वर्ड है की गर्म करके ले सी लोगड़। इस तरह के क्वेश्चन आने ध्यान ना करोगे ताई ना दरबारे दी ती करेल हाँ दरबारे दी कुड़ी घरेलू इलाज करने के लिए की लेके आई सी लोगड़ गर्म करके बट्टा होंदा है पत्थर ठीक है। नेक्स्ट लिखो दरबारा किस दे सहारे बैठा होया सी बैठा सी रजाई दे सहारे हाँ जो घर गया सी ना बेटा बीमार हो गया सी ते ओ बैठ नहीं सकता सी पिछे टोल लगा के रजाई रखी सी रजाई दे सहारे हाँ हाँ नेक्स्ट लिखो दरबारे दा मंजा किथे डठा होया सी या दरबारा धुप्पे धुप्पे दरबारे दा दरबारे दा मंजा किथे बिछिया होया सी धुप्पे दरबारे नू निमोनिए दी बीमारी क्यों हुई सी दरबारे नू ठंड दी सीत भी चान कारण प्रोपर लिखना उन्होंने वर्ड प्रोपर आने हैं दरबारे नू निमोनिए दी बीमारी किस कारण हुई सी ठंड दी सीत दरबारे नू ठंड निमोनिया दी बीमारी क्यों हुई सी ठंड दी सीत भी जान कारण।
जकड़ लेना जिवें सदी ने जकड़ लेना। हाँ नेक्स्ट लिखो दरबारी दी हालत बारे कपूर सिंह नू किन्ने दस्या सी चाची ने। उसकी चाची ने दरबारे दी हालत बारे कपूर सिंह नू किन्ने दस्या चाची ने। हाँ नेक्स्ट लिखो कपूर सिंह पंचायत नू केड़ी गल कहन वाला सी। हाँ किश्त ना देन बारे दरबार कपूर सिंह पंचायत नू किस बारे गल करन वाला सी। ठीक है किदे बारे कि कंध दी किश्ता ना देन बारे कंध दिया किश्ता ना देन बारे। नेक्स्ट लिखो कपूर सिंह अपना मकान किस दी थुड़ कारण ना बना पाया। कपूर सिंह अपना हाँ सीमर दे कपूर सिंह अपना मकान किस दी कमी कारण जा किस दी थुड़ कारण हाँ सीमर दी कमी कारण थुड़ मतलब कमी। पेपर दे भी बेटा तुझे वर्ड आ गया ना तो फिर तुम नेक्स्ट है कपूर सिंह सांझी कंध किस वेले दी बनी हुई सी वडारुआ वेले दी। सांझी कंध किस वेले या किस समय दी बनी हुई सी वडारुआ ने मतलब वड्डे वेलिया दी बहुत चीजा दी। ठीक है वडारुआ वेले दी बुक दे पिछे दे बुक क्वेश्चन ओसी करांगे टू मार्क्स दे अकॉर्डिंग। ठीक है बैक एक्सरसाइज दे क्वेश्चन सर टू मार्क्स यस क्वेश्चन करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दरबारा सिंह नू कपूर सिंह नाल कंध सांझी करन दी लोड़ क्यों पई सी। दरबारा सिंह नू कपूर सिंह नाल सांझी कंध करन दी लोड़ क्यों नहीं सी। ठीक है लोड़ सी कपूर सिंह नू ठीक है उन्हें क्यों नहीं लोड़ सी। उन्हें दोनों तरह का क्वेश्चन आ सकता है भी कपूर सिंह नू क्यों लोड़ सी ते इको क्वेश्चन था पर दो क्वेश्चन से बना लांगे। ठीक है भी दरबारे नू कपूर सिंह ना कंध सांझी करन दी लोड़ क्यों नहीं सी। यस प्रोफेसर रेणुका हाँ क्यों नहीं सी दरबारे नू हाँ यस यस वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट यस बेटा रेज योर हैंड जयती बेटा जयती मैं बोलो दरबारे कोल दो कार सन अते उना विच्चो एक कार जिसदी
ਸਾਂਝੀ ਕੰਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦਰਬਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ? ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਘਰ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਨਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਤੂੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੇਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਸਨ ਤੂੜੀ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਲ, ਬੇਟਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯੈਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਯੈਸ ਬੇਟਾ। ਮੈਮ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੇਟਾ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖੰਗੂਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਖੰਗੂਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਰ ਇਨਕਾ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੇਣੂਕਾ, ਯੈਸ ਜੈਤੀ, ਜੈਤੀ ਬੇਟਾ, ਜੈਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਰਮਾਈ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਅੜਬਾਈ ਕੁਛ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਖੁੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਝੱਟ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੈਤੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫੁੰਗਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ
ते उन्हें की कर दिता कंध बनाने तो मना कर दिता। एक तो यह मेन पॉइंट लिखना है ठीक है कि उहदे नाल उठन बैठन सी उहदा दोस्त सी उहदी गल नूं इनकार नहीं कर सकता सी ते उहदे जदों इशारा मारन ते उहदी गल समझ गया ते उहनें मना कर दिता। सर पंज दे पंगाए दा की असर होया? पहला तां बेटा जदों कपूर सिंह ने बड़ी निमरता दे नाल जदों दरबारे नाल गल कीती तां दरबारा मनन लगा ही सी कि उसे समय सरपंच ने खुंगारा मार दिता। दरबारा उहदे खुंगारे का इशारा समझ गया ठीक है उहदे ना कि उहदे नाल उठन बैठन सी उहदा दोस्त सी इसलिए उहदी गल तो उह किहदी गल दा इनकार नहीं कर सकदा सी ते उहने कंध बनाउण तो मना कर दिता ठीक है बेटा। Then next question, दरबारा सिंह चाहते होया भी सेम ही आंसर है कपूर सिंह ना कन सांझी करने विच मदद क्यों नहीं सी कर रहा? सेम ही आंसर है क्यों नहीं मदद कर रहा सी क्योंकि वही सेम ठीक है क्योंकि सरपंच तम्मे ने ठीक है उन्हें उकसा दिता सी भड़का दिता सी ठीक है क्योंकि उहदे नाल उठण बैठण सी उन्हें समय समय से उहदी लोड़ पैंदी सी उहदा दोस्त सी इसलिए जदों उहने खुंगारा मारिया ठीक है चाहते होया भी ठीक है पहला तो चाहता सी ठीक है चाहते होया भी जरा सी दरबारा ओदी कंध बनाने विच राजी ना होया ओही सेम आ गई ना पैसे वाली गल आ गई पैसे का लोभ पैसे का लालच क्योंकि ओदी आपां कहंदे ना भी एक सेकंड नेक्स्ट है क्वेश्चन कपूर सिंह नूं केड़ी गल दा डर सी जिस करके वह दरबारा सिंह प्रति नरमाई वरत रहा सी केड़ी गल दा डर सी ऑनलाइन स्टूडेंट केड़ी गल दा डर सी बेटा? यस बेटा कपूर यस मैम यस केड़ी गल दा डर सी बेटा कपूर सिंह नूं इस गल कपूर सिंह दरबारे नाल बड़ी नरमाई नाल गल कर रहा सी क्योंकि उसको पता से कि दरबारे को दो घर है तो उसको एक सांझी कंध बनाने की कुछ ज़्यादा लोड़ नहीं सी। कपूर सिंह लोडवेस सी क्योंकि उसका घर बहुत ही ज़्यादा पुराना था टूट गया सी तो उसने रहने वाली थान नहीं सी इसलिए उस अलावा भी चाहता सी कि दरबारा उस नाल अद्धे पैसे कर लवे ताकि उसको कंध बनाने में घट मुश्किल होवे। वो प्रशांत हाँ देखो बेटा जे तुसी स्टोरी नूं अच्छी तरह समझ लिया ते तुहाडे लई कोई क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं हुंदा ठीक है। अगर चंगी तरह स्टोरी तुसी ध्यान नाल सुनोगे ना तो वन मार्क्स उत्थे होणगे ना तो कोई भी क्वेश्चन औखा ही ध्यान ना बस सुन लो ठीक है। कपूर सिंह नूं केड़ी गल दा डर सी ते जिस करके वह दरमाई वरतिया सी कपूर सिंह नूं डर सी कि दरबारा उहदे नाल लड़ाई ना लैण लवे क्योंकि जिहड़ा दरबारे दा सुभाव नूं पता सी बड़ा गुस्से वाला है ठीक है। कपूर सिंह नूं पता सी कि उहदा भरा बड़ा गुस्से वाला है ते उहनूं लड़ाई दा डर सी इसलिए उह बेटा बार बार नरमाई वरत रिहा सी पहला जदों क्योंकि एक तो उन्होंने कंध बनाने की आप लोड़ थी क्योंकि वो 8 महीने तो इन्नी मुश्किल उन्हें गुजारा किया एक तो लोड़ उन्होंने ज्यादा सी ते दूसरा उन्हें लड़ाई ना ना होने कारण पहला उन्हें कहा कि तू जदों कहेगा मैं उदों कंध बना ली तैयार हो जाएगा ठीक है। फिर उन्हें केड़ी नरमाई वरती सी कि चल तू मजदूरी ना देवी ठीक है बाकी खर्चा दे देवी ठीक है जदों फिर भी ना मनिया उन्हें कहा चलो तू एक ईट के पैसे दे दी अद्धी ईट के पैसे जिहड़ा कि मैं दे दांगा ठीक है। इन्नी ज्यादा उन्हें नरमाई वरती पर फिर भी उन्हें दरबारे ने अपने पैरों से पानी ना पैन दिता भाव कि उहदी गल ना सुनी थी जिहड़ी गल का डर सी वह हो गई ठीक है बेटा। नैक्सट है सब दूर हो जू जुगाड़ बच रहे वार बथेरा ये शब्द कपूर सिंह ने क्यों ते किस नूं कहे सी? यस बेटा चुगाट बच रहे वार बथेरा लिख देनी आ सब दूर हो जू
ठीक है, चुगाड़ बच रहे, वान बथेरा, ये शब्द बेटा क्यों कहे सी? यस कवनु, सब दूर हो जू, भाव की सब दूर हो जू, तू हौसला दें दिया के सी। जदो कपूर सिंह दरबारे दी बीमारी पते पता चलता है तो पता लैन जाता है, हौसला दें कहता है कि सब दूर हो जू, तू किसी गल की चिंता ना कर, ठीक है, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। चुगाड़ बच रहे, वान बथेरा, यह खान है समझा लिए बतिया सी, भाव की जे तेरी सेहत ठीक रहेगी, जे तू तंदुरुस्त रहेगा तो तेरे को फिर पैसा आ जाएगा, ठीक है, तेरे घर फिर तो खुशियां आ जाएगी, ठीक है। इन हौसला देंदे हुए कपूर सिंह ने अपने भरा दरबारे नूं कहा सी। हाँ बेटा, हाँ बुला बेटा, वेरी गुड, क्लियर है। नेक्स्ट है कहानी दे अंत विच कपूर सिंह अपने बीमार भरा नूं दरबार नूं कैसे हौसला दिंदा है, ओए सेम, ठीक है, सेम पहला फिर अखान भी लिखना है, ठीक है, हौसला दिंदे हुए कहता है कि सब दूर हो जू, चुगाड़ बच रहे, वार फेरा, भाव की इन्हां शब्दां की वरतों करता है, ठीक है, इन्हां शब्दों की वरतों करता है, हौसला दिंदा है, तू किसी किस्म की चिंता ना कर, तेरी बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, ठीक है, ते हाँ ते उन्हें पैसे देता है, ते कहता है कि मंडियों मैं उन्हें डॉक्टर नु भेजता हाँ जो तेरा इलाज कर देगा। यस बेटा धैर्य, यस बेटा मैम, ये क्वेश्चंस हमने कॉपी में लिखने हैं, यस बेटा लिखने हैं, लिखने हैं, फाइव मार्क्स वाले भी तेरे क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, बाकी बेटा लास्ट क्वेश्चन असि कल डिस्कस कर लेंगे, ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन, बाकी तुसी क्वेश्चन अपनी प्योर नोटबुक से लिखने ने, ओके बेटा।